मेरा नाम शैलेश रुनवाल है, प्रेम नहीं कर दो, नासिक महाराष्ट्र से आया है। सुराना सर का नाम सुना और यूट्यूब पे इनके बहुत वीडियोस भी देखे और कुछ लोगों ने भी हमें बताया कि कान के लिए बहुत अच्छा इलाज करते हैं सर, बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मेरा बच्चा है 12 साल का है, बचपन से इसको सुनाई नहीं देता है, जन्म से ही इसके दोनों कान नहीं सुनता है, ना के बराबर सुनता है। हमने बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाई, स्पीच थेरेपी करवाई, मशीन भी लगवाई और मशीन से थोड़ा बहुत सुनता था, बट जितना नहीं सुनता था या उतना नहीं समझता था जितना समझना चाहिए। उसको हमने फिर डिफरेंट टर्म स्कूल में भी डाला, जो मुखबदिर स्कूल होता है वहाँ पे 2 साल रखा उसको, बट वहाँ उसका बेनिफिट से ज़्यादा हमें ड्रॉबैक दिखने लग गया, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। yes. तो साइन लैंग्वेज वो सीखने लग गया था और हम नहीं चाहते थे कि वो साइन लैंग्वेज करें, हम चाहते थे कि वो पूरा नॉर्मल हमारी आपकी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल बोले। बचा लिया आपने उसको। हाँ, तो ये हमारी मंशा थी। उसके बाद हमने कॉकलियर इम्प्लांट ये सर्जरी करवाया, हालांकि ये बहुत महंगा होता है, हमने करवाया, लेकिन हमने कैसे करवाया वो हमें पता है, बहुत सारे पैसे लगे उसको, बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई। कॉकलियर से भी रिजल्ट मिला नहीं मिला ऐसा नहीं है, बट अगर आपको बिना सर्जरी बिना ऑपरेशन और बिना इतना पैसा खर्चा किए अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक बार अहमदाबाद आए और सुराना सर से मिलें। सुराना सर एक माने, मतलब उनका जो डेडिकेशन है और काम के प्रति जो उनका उत्साह है, इतनी उम्र में भी मैं उनको देखता हूँ तो एनर्जेटिक हो जाता हूँ। तो जिस लगन से और जिस उद्देश्य से वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी समाज सेवा है, बहुत सर आज की आज की बात में बात ये थी कि पहली बात तो ये था कि जो इम्प्लांटेशन से बच्चा निकाल देने के बाद में 0-0 हो गया था, तो हमने पहला प्रयोग किया जो कान में इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है उसमें हमने कान में दवाई डाली, सुनवाने का प्रयत्न किया और नसें चालू की तो उससे बढ़िया सुनने लगा था, दूर से सुनने लगा था, सीटी बजाई थी मैंने उस रूम से बजाई थी, बगल में शब्द पहचानने लगा, क्योंकि ये लड़का होनहार है और उसने काफ़ी अच्छी स्पीच थेरापी वर्ड थेरापी सीख ली है। आपका इम्प्लांटेशन से बेनिफिट मिला था इसको, मिला था। अब जो है दूसरे कान में हमने हिम्मत की, जो इम्प्लांटेशन जो करने के बाद में लोग अड़ने नहीं देते हैं, आपने कहा मेरे बच्चे को इम्प्लांटेशन के बाद में दवाई डालिए, तो हमने इम्प्लांटेशन वाले कान में भी दवाई डाली और इससे भी बहुत बढ़िया सुनने लगा है, सुनने लगा ना, दोनों कान अब नॉर्मल हो गए हैं। तो किसी को भी आश्चर्य होगा कि साला मैंने 9 लाख रुपए क्यों खर्च दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, 9 लाख खर्च दिए तो खर्च दिए, उसकी चिंता मत करिए। हमने जो किया है, आपने जो किया है समय के हिसाब से ठीक किया सर, आप समझ गए, हाँ उससे दवाई की जरूरत थी, पर अब जो आज जो आपने मेहनत की है वो मिरेकल है। अब मेरा यही कहना है कि इसकी एक ही चीज विद्या है, वो वर्ड थेरापी स्पीच थेरापी, और मैं दुनिया में पहले ही बच्चा देखा है जिसको एक गाना पूरा आता हो, दर से रुक जा तो उठना चाहिए। आए जैसे कि सर ने बोला कि हमने बहुत मेहनत की है बच्चे पे, मैं हर उस माँ बाप से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चे पे इतनी ही मेहनत ले, ना कि उसको मुखबदिर मेहनत ले, स्पीच थेरेपी दे, यहाँ सर के पास आवे, जितनी भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो सारी करावे, ना कि उसको छोड़ दे, क्योंकि ऊपर वाले ने जो आपको देन दी है वो आपको आपके कर्म करने हैं, आप अगर उसको सर ये 10-12 वर्ष का बच्चा तब एकदम 12-15 वर्ष का होगा ना, तो कोई जिंदगी में पहचान नहीं सकेगा, इसको नहीं सुनाई देता है, इम्प्लांटेशन निकाल के फेंक देगा ये, वैसे भी फेंक देगा अभी ये, अभी थोड़ा दिन चलाइएगा, गड़बड़ मत करिएगा, दोनों कान में मशीन अभी मत डालिएगा और बिना मशीन के तैयार करो बेटा इसको। अभी सर ने दवाई दी है, दोनों कान में दवाई डाली है, दवाई डालने की दवाई दी है, खाने की दवाई दी है, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी दिया है,